तो अभी जा रहे हैं गो राइट पेज। तो अभी हो चुका है 10:11। लाइफ में सब बेकार हो रहा है, क्या करूँगा? सुपर बाइक लाऊँगा या नहीं लाऊँगा? घर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं सुपर बाइक लाने को, क्या करूँगा? ये तो समझ में बाहर है कि सुपर बाइक लाना, फिर उसका किस्तें हैं, फिर उसका मेंटेनेंस, आप मिला के बहुत टेंशन हो रहा है, क्या करूँ? आप कमेंट करके बताओ। बाकी कंटिन्यू रखते लोगों ने, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे पास बाइक नहीं है क्यों ब्लॉग बनाते हैं, तो मेरे पास यहीं से मैं शुरू करूँगा, यहीं से पूरा G900 का सफ़र मैं पूरा करूँगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सेविंग मैं कर रहा हूँ जो कि G900 लाने के लिए। तो उतना तो पैसा नहीं है, महीने का 4-5 हज़ार ही सैलरी आता है, उसमें तो 2-2.5 हज़ार खरीदा जाता है। सुपर बाइक की तरह काम करता है, ना कोई पेट्रोल का, बल्कि मैं चाहता हूँ इससे और भी थोड़ा अच्छा ब्लॉगिंग किया जाए। तो कुछ लोग एक्सपोज करते हैं कि भाई तू साइकिल पे ब्लॉगिंग कर रहा है, भाई कुछ नहीं है तो कैसे बन। बहुत से लोगों को देखता हूँ कि ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करना मना नहीं है, लेकिन थोड़ा जानवरों को ख्याल रखो, क्योंकि कहीं से भी कोई मुर्गी या बकरी आ जाएगा रास्ता में तो उसके ऊपर चला देने से यार उसकी तो जीवन ख़राब हो जाएगा, इसमें क्या फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी की जीवन के साथ खेलने का है। राइड करो अपनी मर्जी से, खुद मतलब एनएच पे भगाओ रास्ता खाली देख के, लेकिन किसी के साथ ये मत करो कि उसको चोट पहुँचे कि कुछ भी हो, ये सब चीज़ मत करो यार, सब बहुत बुरा लगता है देखने पे। मैं आज ब्लॉग देख रहा था तो ऐसा ही कुछ हो गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि बाइक लाने के लिए घर पे बुला था तो घर वालों ने थोड़ा तो उल्टा सीधा बोल दिया, तो इसलिए सुबह का मूड ऑफ है। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये पुराना पीसी था, मैं इसको सेल करने वाला हूँ, जो कि जाएगा 20K के आसपास, 20K के आसपास जाएगा ये पुराना पीसी, इसको मैं सेल करने वाला हूँ। तो गाड़ी लाने के लिए मेरे को कम से कम 40,000 तक डीपी देना पड़ेगा, मेरे पास 20,000 अरेंज हो चुका है, और ये 20,000 देने का पड़ेगा, ये पीसी और ये सीपीयू सब बेचना पड़ेगा, और पीछे जो स्पीकर है ये बेचना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, कुछ मैं मोबाइल बेच दिया तो फिर वीडियो कैसे अपलोड करूँगा, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो पेमेंट महीने को 4-5 हज़ार आता, उसमें खर्चे हो जाते हैं, तो गाड़ी तो वैसे हिसाब से नहीं ले पाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ एक स्प्लेंडर ही ले लूँगा 20-30 हज़ार का, जिससे डेली ब्लॉग हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, बाय। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देने का है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।